हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो टेक राज। मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज कैसे आप लोग ऐप के माध्यम से अपने राउटर को, डी लिंक का राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो ये एक ऐप है, तो इसका प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद क्या क्या करना है मैं दिखाता हूँ, आप लोग स्टेप को फॉलो करो तो आप लोग भी सीख जाओगे। इस ऐप का इंटरफेस होगा, पहले राउटर को कनेक्ट करना होगा वाईफाई से, उसके बाद ऐसा आ जाएगा, ओपन करना है राउटर आ जाएगा। उसके बाद आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। अभी देखो ये एडवांस सेटिंग है, सेटिंग है, इसको मैं जाना है। अभी आप लोग इधर से स्कैन भी कर सकते हो, कौन सा वाईफाई सिलेक्ट करना है वाईफाई सिलेक्ट कर सकते हो। तो पहले ये गल्प देखो, रिपीटर अगर करना चाहते हो रिपीटर भी कर सकते हो, अगर वाईफाई करना है तो वाईफाई भी कर सकते हो। और इधर देखो ऑप्शन दे रहा है वाईफाई, नीचे देखो, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो आप लोग। ये पूरा सेटिंग आपको ऐप के में दिया जाएगा, आप मोबाइल से भी कर सकते हो। आप देखो इधर आप आपका कनेक्शन स्कैन करके भी कर सकते हो, मैं दिखा देता हूँ। स्कैन करके नहीं होगा तो स्कैन करके अगर आ जाता है तो नॉर्मली ठीक है, नहीं तो आपको मैन्युअली करना होगा। कैसे करोगे वो भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखो नहीं हुआ, ठीक है, तो इसको मैन्युअली करना है। देखो मेरा ये स्टैटिक आईपी वॉल्यूम 4 है, तो मुझे ये 4 सिलेक्ट करना होगा। आप लोगों को जो होगा वो आप सिलेक्ट कर सकते हो सर्विस प्रोवाइडर से जान के। इधर देखो आईपी ये सब कुछ है, ये फिलअप करना होगा। ये सब कुछ आपके मेल पे या आप प्रोवाइडर आपको दे देगा, तो ये फिलअप करना होगा, गेटवे आईपी सब कुछ ऐसे ऐसे फिलअप करना होगा। जो जो दिया जाएगा सब कुछ आपको फिलअप करना होगा फुल, और एक भी टाइपिंग मिस्टेक होना नहीं चाहिए। आईपी या जो गेटवे है, मैक एड्रेस है, सब कुछ ठीक ठाक आपको देना होगा, नहीं तो कनेक्शन नहीं आएगा। ये सब कुछ आपको देख के करना होगा कि क्या क्या है। और जब आप कनेक्शन ले रहे हो तो आपके सर्विस प्रोवाइडर से ये सब डिटेल्स ले लेना कि आईपी क्या है, सब कुछ क्या है, डिटेल्स आपको जानना होगा, ज़रूरी है। देखो ये मेरा पर्सनल डिटेल्स है, इसलिए मैं इसमें मेरा लोगो डाल दिया, हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करना, आपको ऑप्शन दिया जाएगा सब नेक्स्ट 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 करके, तो आप इसको फिलअप करना। करने के बाद आप ये ऐसा ऐसा करना, ये देखो इधर शो कर रहा है आपको और पोर्ट चाहिए, मतलब लैन के लिए या फ़ोन के लिए, टीवी के लिए अगर कनेक्ट करना चाहते हो तो ये ऑप्शन दिया जाएगा, आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये आप देख के ही समझ जाओगे। उसके बाद नेक्स्ट करना है, देखिए उसके बाद ये आ जाएगा नेक्स्ट के बाद। तो इसमें भी सब कुछ डिटेल्स आपको भरना होगा, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ये तो आपको पहले ही बोला मैं, सर्विस प्रोवाइडर दे देगा। अगर मेरा वीडियो आपको लोगों को हेल्पफुल लगता है ना, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। ये देखो मेरा पूरा डिटेल्स मैं भर दिया, अभी बोल रहा है कन्फर्म टू अप्लाई, ये मेरा पासवर्ड भी मैं डाल दिया, तो इसके बाद इसको कन्फर्म करने के लिए बोला, तो ये देखो अप्लाई कर दिया मैं, अभी अप्लाइंग हो गया। ये देखो ये पूरा डिटेल्स आ गया, अभी मेरा पूरा डिटेल्स मुझे शो कर रहा है कि ठीक है या गलत है, एक बार क्रॉस चेक के लिए। तो मैं क्रॉस चेक कर लिया, उसके बाद मैं अप्लाई कर दूंगा। अभी अप्लाई जैसे ही करूंगा मेरा वाईफाई रिस्टार्ट ले लेगा, क्योंकि मैं पासवर्ड सेट किया उसमें अभी और सब कुछ किया, इसलिए वो रिस्टार्ट ले कर फिर से कनेक्ट होगा। अभी रिस्टार्ट हो रहा है, ये देखो ये मेरा सेटिंग जो है अप्लाई हो गया, ये रिस्टार्ट हो गया। रिस्टार्ट होने के बाद डिसकनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, देखो ऊपर मेरा वाईफाई का सिंबल नहीं है, तब इसको कनेक्ट होगा, होने के बाद मेरा नेट ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। ये मेरा देखो सर्विस प्रोवाइडर का डिटेल्स आ गया कि ये चालू होगा या नहीं, तो मेरा डिटेल्स है, ये ओके करना है, कनेक्ट करना है इसको लॉग इन करके, तभी देखो ये कनेक्ट हो जाएगा। इसको मैं पासवर्ड लॉग इन आई डी दे देता हूँ, हो गया ये। अभी देखो मैं एक ब्राउज़र ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, मतलब आपको एक गूगल पे सर्च करके दिखा देता हूँ, मेरा चैनल ही मैं सर्च करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, तो आप देख सकते हो मेरा चैनल। ये गूगल में नेचुरली आप लोग टेकराज लिख के फॉलो कर ही सकते हो मुझे, मेरा फेसबुक जो पेज है वो भी मिल जाएगा, मेरा यूट्यूब चैनल भी मिल जाएगा। चलो अभी सर्च में डाल देते हैं, ये देखो सर्च किया तो ये आ गया। अभी ये देखो ये वाला देखो मेरा लोगो शो कर रहा है,
इसको ये देखो मेरा फेसबुक पेज है ये, ज़रूर इसको लाइक कर देना और नीचे कमेंट्स भी करना, सबको इनवाइट भी करना जो जो टेक में इंटरेस्टेड है। ये मेरा ही वीडियो है, शायद आप देखे हो। अभी लॉगिन करने के लिए बोल रहा है ये, इसको इग्नोर करो। अभी देखो ये मेरा पेज है, इसमें सब कुछ मैं अपडेट देता रहता हूँ। अभी कोई दोस्त अगर कमेंट कर दिया शायद, थैंक यू। ये रहा मेरा फेसबुक पेज, तो इसको क्लोज कर देता हूँ अभी। अभी मैं मेरा यूट्यूब चैनल को ओपन करके एक बार दिखा देता हूँ कि यूट्यूब भी चल रहा है, मेरा कॉन्फ़िगरेशन ठीक ठाक हो गया है। ये रहा मेरा यूट्यूब चैनल, ठीक है, ये यूट्यूब चैनल आ गया। ये देखो मैं डीलिंक का जो राउटर को अभी कॉन्फ़िगर किया, उसका उसका डिटेल्स मैं ऊपर डाला हूँ, उसका रिव्यू अनबॉक्सिंग, तो आप लोग उसको भी जाके देख सकते हो, देख के फॉलो कर सकते हो। ये प्लेलिस्ट करके रखा हूँ मैं सब, ये प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हो। आपको इंटरेस्टेड है तो इथिकल हैकिंग में या टेक का फैक्ट जानना है, ये सब कुछ जानना है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबा देना। बाय।